ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम कथा सुनाते श्रीमद्भागवत बृहद सचित सुख सागर की। ये पुण्य कथा है श्रीमद्भागवत बृहद सचित सुख सागर की। राधे राधे, ओम साई राम। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार पे। तो हर दिन की भांति आज हम श्री साईनाथ महाराज को श्रीमद्भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंध का 26वां अध्याय बाबा जी को सुनाने जा रहे हैं। और ये पावन कथा हम साई धाम के संचालक श्री कैलाश गुप्ता जी के आदेश पर बाबा जी को सोपान करा रहे हैं, ताकि बाबा सब भक्तों का कल्याण करें और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं। आप सभी इस पावन कथा को आखिरी तक सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि इस कथा को सुनने से बड़े कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं, बशर्ते अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। इस पावन कथा को चालू करने से पहले आप भक्तों से एक विशेष आग्रह कि आप सभी अगर इस चैनल पे नए हैं तो भक्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि सर्वप्रथम आपको आपके चैनल की वीडियो प्राप्त हो जाए। आप इस दरबार के मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। आपके द्वारा ज्वाइन की गई रकम से बाबा की अखंड धुनी व अखंड ज्योत व जरूरतमंद बच्चों को भोजन सेवा इस दरबार में जारी है। तो चलिए बाबा की ये पावन कथा को चालू करते हैं। श्रीमद् भागवत की ये पावन कथा को हम सुनाने जा रहे हैं। पूर्व के अध्याय में आप लोगों को बताया गया था कि कदर्म ऋषि का वन को प्रस्थान तथा कपिल देव जी का देवहूति को ज्ञानोपदेश। अब के जो अध्याय है उसमें कपिल देव जी द्वारा देवहूति को भक्ति वर्णन का इसमें विस्तार बताया गया है। कपिल देव जी बोलते हैं कि हे माता, अब मैं 24 तत्वों के लक्षण अलग अलग तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है, उसी को आत्मा कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। वही सब जीवों का पालन करता है, जैसे जल से भरे अनेक बर्तनों में सूर्य की छाया दिखाई देती है, लेकिन उन्हें तोड़ डाला जाए तो फिर कुछ नहीं रहता। उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश सब जीवों पर भरा हुआ है। जिस प्राणी को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर वह संसारी माया मोह में नहीं फंसता। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि और तिल में तेल रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। आप लोगों ने देखा होगा कि लकड़ी में जो है अग्नि रहती है और जो तिल रहता है उसमें तेल रहता है, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देता। उसी तरह आत्मा भी सबके शरीर में विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देती। इसलिए ज्ञान दृष्टि द्वारा आत्मा एवं शरीर को अलग अलग जानो। जब तक शरीर में आत्मा है, तभी तक शरीर बोलता, चलता, बैठता, खाता, पीता तथा इंद्रियों को सुख देने का कार्य करता है। जब वह आत्मा पुरुष शरीर से अलग हो जाता है, तभी वह शरीर मृत होकर गलने सड़ने के अतिरिक्त अन्य किसी काम का नहीं रहता। यह विचार कर आप अपनी आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं, वे आत्मा को अनश्वर तथा शरीर को नश्वर समझकर शरीर से प्रीति नहीं रखते हैं। प्रकृति का रूप शुरू में भली भांति ज्ञात नहीं होता, जब उसमें सतो गुण, तमो गुण और रजो गुण मिल जाते हैं, तभी उसका स्वरूप उत्पन्न होता है। शरीर में रहने वाले परमेश्वर के स्वरूप को योग्याभ्यास और ज्ञान प्राप्त किए बिना देखा नहीं जा सकता। वह आत्मा पुरुष ही काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हैं। देखा, आप लोगों को अपनी आत्मा के बारे में जानना है, काल रूप से बाहर निकलना है, तो आप इस संसार में जो बने गए यज्ञ, तप, दान और धर्म के राह पे चलें। हे माता, जिस मनुष्य ने उस महापुरुष को पहचान कर जो अपना स्वामी एवं प्रकट करता जान लिया है, उसे जप, तप, यज्ञ, दान इत्यादि शुभ कर्म करने की जरूरत नहीं रहती, और उसे पहचाने बिना शुभ कर्म करना भी निरर्थक है। वैसे भी उसे पहचानना कोई कठिन कार्य नहीं है, वह भक्ति एवं प्रेम करने से सहज ही जान लिया जाता है। इसलिए
तुम भक्ति करके उस आदि पुरुष को जानने की कोशिश करो, तब तुम्हें अन्य कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और संसारी शोक से मुक्त हो जाओगे। अब मैं तुमको चार प्रकार की सात्विक, राजसी, तामसी और नवदा भक्ति सुनाता हूँ, उसे आप सभी भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परब्रह्मा परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सात्विक भक्ति जल के समान निर्मल है, उसमें मोक्ष पद पाने के अलावा और कोई इच्छा नहीं रहती है। राजस भक्ति स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि संसारिक सुखों के उपभोग के लिए की जाती है और तामसी भक्ति को शत्रु का वध करने के निमित्त किया जाता है, परंतु नवधा भक्ति करने वाले मनुष्यों को संसारिक सुख, मुक्ति तथा अन्य किसी भी चीज की कामना नहीं रहती है। यही भक्ति मुझे बहुत ही प्यारी है, मेरे चरणाविंदों के स्मरण करने का नाम ही भक्ति है। भक्ति को उचित है कि वह आठों पहर सच्चे मन से मेरे चरणाविंदों का स्मरण करे और मेरे ही नाम का जप करते हुए अपने हाथों से मेरी सेवा करे तथा पांवों से तीर्थाटन करे। जो मनुष्य मेरी सात्विक, राजसी तथा तामसी भक्ति करती हैं, मैं उनकी इच्छाओं को पूरा कर देता हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करते हैं उनसे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ और सदा यही विचारता रहता हूँ कि इन्हें ऐसी कौन सी वस्तु दूँ जिनसे मैं उनसे उनऋण हो जाऊँ, मतलब उनके ऋण से मैं मुक्त हो जाऊँ। ऐसा भगवान कहते हैं जो भक्त भगवत भक्ति करता है। देखा आपने कितनी पावन गाथा है श्रीमद्भागवत बृहद सचित सुख सागर के पावन ग्रंथ की। आशा करते हैं आप लोगों को इससे बहुत लाभ होगा और आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। श्रीमद्भागवत के महाग्रंथ के 26वां अध्याय संपन्न हुआ। कल हम साईनाथ महाराज को 27वें अध्याय भगवान कपिल देव जी द्वारा सांख्य योग का ज्ञानोपदेश की पावन कथा इस महाग्रंथ की आप लोगों को भी और बाबा जी को भी सुनाएंगे। तो अभी के लिए राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।